एमपी में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार धुआंधार चुनाव सभाएं कर रहे हैं। इसी बीच उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी चुनावी रणभूमि में उतरकर मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में आज हाटपिपलिया में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाटपिपलिया के बरोठा में रोड शो किया। वहीं एक आम सभा में नए अंदाज में नजर आए। मंच से न सिर्फ कांग्रेस पर बरसे, बल्कि आंकड़े गिनाकर नए अंदाज में मतदाताओं से भाजपा सरकार को मजबूत करने की भी अपील की। देखिए, जनता ने 2003 के बाद लगातार हमारा सहयोग किया। 2018 के चुनाव में भी जनता ने मत प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आगे थी। मुझे पूरा विश्वास है, जो गलती भूले भटके किसानों से हुई, जिनको जो गलती यहाँ के युवाओं से हुई 2018 में, उसका मुंहतोड़ जवाब 2020 में ये जनता और ताकत से देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। कर्ज मुक्ति को लेकर भाजपा से क्या उम्मीदें मिल सकती है? देखिए, कर्ज मुक्ति का भाजपा की ये संस्कृति नहीं है कि हम कर्ज माफ़ करें, लेकिन हम खेती को लाभ का धंधा बनाने में हम विश्वास रखते हैं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के। हम चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर, अपनी फसल के दम पर, अपने परिवार के लिए चार रोटी कमाए, और इसकी व्यवस्था हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से करी है। देखिए, मैं एक युवा होने के नाते आज सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में क्या है, कांग्रेस सरकार की जो वादा खिलाफी थी बेरोजगारी भत्ते को लेकर, उसमें युवाओं में खास आक्रोश है। उसी आक्रोश को जगाने के लिए मैं आज जनता के बीच में जा रहा हूँ। दूसरा, एक युवा होने के नाते मैं मानता हूँ कि रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए मध्य प्रदेश में। इसी दिशा में काम करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 70% आरक्षण यहाँ के युवाओं को दिया जाएगा। यहाँ के युवा स्थानीय शासकीय नौकरियों में भाग ले सकेंगे, और उसकी प्रक्रिया भी, शासकीय नौकरियों की प्रक्रिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू कर दी। 28 में से 29, क्योंकि अब तो एक और सीट पे चुनाव अभी तो नहीं है लेकिन होने वाला है, तो 28 में से मैं तो कहता हूँ 29 सीटों पे हम जीतेंगे। विधायक आने वाले हैं भाजपा में? देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा विधायकों को आकर्षित कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के बीच की अंतर्कलह है, जिससे दुखी होकर, त्रस्त होकर कांग्रेस के साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे पार्टी सर्वमान्य सर्वोपरि है। इसमें कार्तिकेय चौहान कोई फैसला नहीं करता, कार्तिकेय चौहान कोई निर्णय नहीं करता। एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे ही काम करने की मेरी इच्छा है। देवास से राजेश कुमार की रिपोर्ट।